नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जाने इसका क्या है उद्देश्य। पुल गिरने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान आया सामने। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका। कॉमेडियन सुनील पाल का लालू कनेक्शन। उड़ीसा रेल हादसे को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने किया बड़ा ऐलान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका। अगर आप भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के यूजी में नामांकन लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आपके पास आवेदन करने के लिए यह अंतिम मौका है। इच्छुक छात्र आवेदन करने के लिए 7 जून तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट admission.ppuponline.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहली मेधा सूची 9 जून को जारी की जाएगी। मालूम हो कि मेधा सूची के आधार पर ही ऑनलाइन कट ऑफ जारी किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर ए के नाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-27 में लगभग 1,20,000 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए भेजा गया अलग अलग समय सारणी का प्रस्ताव। पिछले कुछ समय से पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर हर स्तर पर तेजी से तैयारियां जारी है। बता दें कि इसी कड़ी में ट्रेन के परिचालन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 2 अलग अलग समय सारणी का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया है और अब जल्द ही इस पर बोर्ड के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि अगर इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होती है तो बिहार की राजधानी पटना से रांची जाने वाले यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। वे 2 घंटे की बचत के साथ रांची पहुंच सकते हैं। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस 18 बोगियों की होगी और ये 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। मालूम हो कि वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर अब तक जिन कामों को पूरा किया जा चुका है उनमें हटिया यार्ड में मेंटेनेंस को लेकर पूरा सिस्टम तैयार हो गया है। ट्रैक तैयार हो चुका है और 25,000 वोल्ट ओवररेटेड वायर लगाए जा चुके हैं। आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जाने इसका क्या है उद्देश्य। देश भर में हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि आज के दिन का महत्व लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हालांकि आज के समय में औद्योगिकरण के दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय बन गया है। इसके चलते दुनिया भर के इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के संकल्प लेने का उद्देश्य से ही हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मालूम हो कि इस वर्ष यानी कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया है। बता दें कि यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया था, जिसका पहला सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। मालूम हो कि सम्मेलन में 119 देशों के द्वारा एक धरती के संविधान को मान्यता देते हुए हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद से आज के दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने गृह विभाग के सचिव की लगा दी क्लास। आज यानी कि 5 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार में एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए गृह विभाग के सचिव की क्लास लगा दी गई। दरअसल सीएम नीतीश के जनता दरबार में एक फरियादी पश्चिमी चंपारण से पहुंचा था। उसने सीएम नीतीश को बताया कि उसके अकाउंट से 82,000 रुपए काट लिए गए थे, वह बिना किसी ओटीपी के। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस फरियाद को सुनते हुए सीएम नीतीश के द्वारा गृह विभाग के सचिव को फोन लगाया गया और कहा कि पश्चिम चंपारण के एक युवक से साइबर क्राइम के संबंध में उचित एक्शन लेने का मामला सामने आया है। ये केस भी किए हुए है, जिसके बाद सचिव की ओर से कुछ कहा गया, जिस पर सीएम नीतीश ने कहा कि उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। इनका कहना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से इनके अकाउंट से साइबर क्राइम हुआ है, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले को तुरंत देखिए। मुजफ्फरपुर में 50 लाख का शराब हुआ बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां गायघाट थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मैठी टोल प्लाजा के समीप एक लाइन होटल के पास से एक संदिग्ध ट्रक में कुल मिलाकर 893 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस के द्वारा एक दशक का ट्रक भी जब्त किया गया। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए की ट्रक सहित अवैध शराब बरामद हुई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा 2 लोगों को भी अपनी गिरफ्त में लिया गया है, जिसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आज से 15 जून तक डीएलएड की एंट्रेंस परीक्षा। आज यानी कि 5 जून से बिहार में डीएलएड परीक्षा की शुरुआत हो गई है, जो कि प्रतिदिन 2 शिफ्ट में 15 जून तक चलने वाली है। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के आधार पर ही प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में छात्रों का नामांकन डीएलएड कोर्स के लिए लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से शुरू हो चुकी डीएलएड परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई है, जिसमें पहली पाली की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो चुकी है।
जो कि 12:30 बजे तक चली। वहीं दूसरे पारी की परीक्षा की शुरुआत 2:30 बजे से हुई जो कि 5:30 बजे तक चलेगी। मालूम हो परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। अगवानी सुल्तानगंज का नया DPR बनाकर 3 माह में शुरू होगा काम। बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में गंगा नदी में बन रहे अगवानी पुल का आधा हिस्सा बीते दिन भड़बड़ाकर नदी में गिर गया, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल के शुरू हो जाने से उत्तर बिहार के कई जिलों की दूरी कम हो जाती। बता दें कि सितंबर 2015 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण शुरू किया गया था, जिसे पूरा करने का डेडलाइन नवंबर 2019 तक रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर जुलाई 2021 कर दिया गया था। वहीं अब 2023 के अंत तक इस पुल के पूरा होने की संभावना जताई जा रही थी। वहीं अब इस पथ पर निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा कहा गया कि नए सिरे से निविदा जारी कर पूरे पुल का डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में DPR बनाकर पुल का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। पुल गिरने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान आया सामने। अगवानी सुल्तानगंज पुल के गिरने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संपूर्ण क्रांति जयंती पर JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत विभाग के अधिकारियों को इसकी जाँच करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से ही पुल बनने की योजना थी, जिसके बाद वर्ष 2014 में पुल के निर्माण कार्य को शुरू किया गया। जब पिछले साल यह पुल गिरा था तो मैंने उस दौरान भी कहा था कि इस पर एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इसकी पूरी जानकारी है। मैंने उसे कहा है कि जो भी इस पुल के गिरने के जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द पुल के निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को सैंड आर्टिस्ट ने बालू से कलाकृति बनाकर दी श्रद्धांजलि। बीते शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन हादसे को लेकर 275 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि जिन लोगों की इस दुर्घटना में जान चली गई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार के द्वारा ट्रेन दुर्घटना के तस्वीर को सरयू नदी के तट पर बालू से पेश किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के सुदर्शन पटनायक के रूप में विख्यात अशोक कुमार तरह तरह की बालू से कलाकृति बनाते हैं। वहीं इस रेल हादसे की दुर्घटना की तस्वीर बनाते हुए उन्होंने लिखा है कि निस्तब्ध हूँ इस घटना से। मालूम हो कि इस घटना को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। प्रत्येक व्यक्ति इस रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। डिग्री कॉलेजों के अनुदान के लिए विश्वविद्यालय सुस्त। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी अब तक राज्य के अनुदानित कॉलेजों के अनुदान को लेकर विश्वविद्यालय से अनुशंसा शिक्षा को प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2015-18 से लेकर 2017-20 तक के अनुदान के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डिग्री कॉलेजों के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन आदि की व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि इसके लिए विश्वविद्यालयों के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि अनुदान के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने में कोई दिक्कत न आए, लेकिन इसके बावजूद भी अनुशंसा नहीं आई है। बता दें कि शिक्षा विभाग के पास सत्र 2014 से 17 के बाद के वर्षों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। बेखौफ बदमाशों ने थाना अध्यक्ष को मार दी गोली। बिहार में अपराधी दिन प्रतिदिन अपना पांव पसारते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के पूर्णिया का है, जहां जिले के मधुबनी थाना अध्यक्ष मनीष चंद्रा और मरंगा अपर थाना अध्यक्ष गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की रात को कुछ बदमाश के द्वारा किए जाने वाले अपराधी घटना को रोकने के लिए रेकी करने के उद्देश्य से सिविल गाड़ी से निकले। इस दौरान फोर्ड कंपनी चौक के पास दो बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोकने के क्रम में एक बदमाश के द्वारा पुलिस कर्मी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी गई, जिससे कि एक गोली थानाध्यक्ष के कमर पर लग गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई गई है। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जिले के सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है और छापेमारी की जा रही है। मालूम हो कि इस घटना की पुष्टि SP आमिर जावेद के द्वारा की गई है। कॉमेडियन सुनील पाल का लालू कनेक्शन। कॉमेडियन सुनील पाल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक अखबार के साथ हुए साक्षात्कार में बात करते हुए बिहार को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि उनके कॉमेडियन गुरु लालू प्रसाद यहीं पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता फन लिविंग है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें पूरा देश समाया हुआ है, यानी कि बी मतलब भारत, आई मतलब इंडिया, एच मतलब हिंदुस्तान, ए मतलब अपना और आर मतलब राज्य। उन्होंने कहा कि वह जब भी बिहार आते हैं उन्होंने कालीन भैया की याद आ जाती है। बिहार बहुत तरक्की करेगा क्योंकि बिहार का मतलब ही टैलेंट होता है। मैंने भोजपुरी में भी कॉमेडी ट्राई किया, मैंने बिहार टूर भी किया है और मुझे बहुत से लोग मिले, मुझे बहुत मजा आया। अच्छे रंगों में रंगा हुआ हमारा बिहार है, हार में भी बिहार है जो जीत का अनुभव दिलाता है। बिहार की धरती को मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूं क्योंकि हमारे कॉमेडी के गुरु लालू प्रसाद यादव जी यहीं पैदा हुए हैं। 12 जून को नहीं होगी विपक्षी दलों की बैठक, सीएम नीतीश।
बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में होने वाले विपक्षी बैठक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि इस बैठक में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी 12 जून तक विदेश दौरे पर है। मालूम हो कि इस बात की जानकारी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा दी गई है। ऐसे में मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 12 जून को भाजपा के खिलाफ हो रही विपक्षी दलों की बैठक को टाला जा सकता है। अब इस बात पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए सब कुछ साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पटना में 12 तारीख को जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुख को शामिल होना चाहिए और ये सही नहीं होगा कि बैठक में कोई और प्रतिनिधि शामिल हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमने कांग्रेस से भी बात की है, क्योंकि आपस में बात कर लीजिए, उसके बाद जो तारीख तय होगी उस दिन बैठक होगी। ओडिशा रेल हादसे को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने किया बड़ा ऐलान। बीते शुक्रवार की शाम ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल बीते दिन वीरेंद्र सहवाग के द्वारा आपने ट्विटर के जरिए ट्वीट कर इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह छवि हमें लंबे समय तक परेशान करेगी। दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखूं। मैं ऐसे बच्चों को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के बोर्डिंग फैसिलिटी में मुफ्त शिक्षा देता हूँ। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं साथ ही उन सभी बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सलाम करता हूँ जो बचाव कार्यों में सबसे आगे रहे हैं, और स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले चिकित्सा दल और सेवकों को भी हम इसमें साथ हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सचिन कुमार, अंकित कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, कुमारी संजना, कमलेश शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नुनू गोलू कुमार, नौशद अंसारी, मुटू रंगीला, मोहम्मद अफजल मंसूरी, जावेद अख्तर, राजकिशोर महतो, रविशंकर, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार की ओर से और क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? आप ना जाओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।